Assalamualikum my viewers, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घर में खुश होंगे। वेलकम बैक शुमाइला व्लॉग्स 1 to 5 में। आज मैं आपके लिए अपने घर का होम टूर लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी मेरे घर का एक दफ़ा विज़िट किया हुआ है, मैंने रबी उल के महीने में अपने घर की डेकोरेशन आपके साथ शेयर की थी, तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डेकोरेशन के बगैर मेरा घर कैसा लगता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम माई होम। तो ये है हमारे घर का, इस घर में 3 कमरे हैं, 3 रूम है ये। तो ये है उसका पहला कमरा, ये देखें। इसमें हमने पहले डेकोरेशन से आपको दिखाया था, तो अब मैंने कहा आप लोगों के साथ विदाउट डेकोरेशन के साथ दिखाएंगे कैसे लगता है हमारा घर। तो हमारा घर ऐसे ही रहता है माशाल्लाह, साफ़ सुथरा, प्यारा सा, नीट एंड क्लीन। तो इस तरह हम लोग अपने घर की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि सफाई नहीं ईमान है। तो इसलिए हमें अपने घर का सुकून बरकरार रखने के लिए सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर घर गंदा होगा तो बहन भाई अम्मी वो परेशान रहेंगे कि घर में सफाई नहीं है। तो इसलिए हम लोग अपने घर का अपने ज़्यादा ख्याल रखते हैं और साफ़ सुथरा रखते हैं, प्यारा रखते हैं। हमेशा ये है पहला कमरा, और इसमें देखें थोड़ी सी मैंने लाइटिंग भी की हुई है, क्योंकि हमें लाइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह की रंग बिरंगी लाइटिंग हमारे आपको पूरे घर में कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएंगी। तो इसके साथ अभी ये देखें टाइम हो रहा है, और नीचे हमें शीट भी चाहिए हुई एक साइड पे, बाकी कारपेट बिछाया हुआ है। ये मेरे भाई का लैपटॉप, तो इसी कमरे में भाई ज़्यादा काम करते हैं अगर हो तो, वरना फिर क्योंकि यहाँ इस कमरे में सिर्फ 3 रूम है, तो छोटा सा घर है, इतना बड़ा नहीं है, ज़्यादा घर नहीं है। तो बस ये है हमारा कमरा, देखा जाए कैसे है। तो ये है शोकेस जिसमें हम लोगों ने शीशे का सामान रखा था, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये छोटा सा फ़ैन, ये है हीटर, बहुत प्यारा क्यूट सा छोटा सा है। हमने छोटे से कमरे की सेटिंग की है, वो जो सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है मैं इसमें से एंटर हुई थी। और हमने अपने घर को वॉल्स पे दिए हैं, शीट्स लगाई हुई हैं, काफ़ी अच्छा हमने डेकोरेट किया है। आप इस तरह कर सकते हैं, बहुत कम पैसे में। अब मैं आपको किचन ले चुकी हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने आपको किचन नहीं दिखाई थी। तो इधर में ऐसी किचन है, छोटी सी किचन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। चलते हैं किचन की तरफ। तो ये है हमारे किचन का दरवाज़ा, दरवाजे के ऊपर हमने आइसल कुर्सी लगाई हुई है, चार्ट पे लिखी थी जो कि मैंने खुद ही लिखी थी, जो क्योंकि मुझे इस चीज़ों का बहुत शौक है। तो साथ में जो आपको एक कोने नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैंने इस तरह शीट लगाई है, जिससे मैंने आपको बताया मैंने पूरे घर को शीट से डेकोरेट किया हुआ है। साथ में गुलदान रखा हुआ है, बटरफ्लाई भी मैंने बना के लगाई हुई है। और मैं आपको एक बात जहाँ बताती चलूँ कि आपको मेरी किचन में सबसे ज़्यादा चीज़ें पिंक कलर की ही नज़र आएंगी, क्योंकि जो पिछली दफ़ा हमारा घर था उसके अंदर ब्लू एंड रेड थी, तो इस दफ़ा मैंने कहा नहीं मुझे पिंक चाहिए, तो ज़्यादा चीज़ें आपको पिंक ही नज़र आएंगी। तो देखें पिंक ग्लास हैं, पिंक की शीट्स लगी हुई हैं, और काफ़ी चीज़ें पिंक से पिंक 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 है। तो देखें कैसे, हालाँकि मैंने पेंट भी पिंक कलर का ही किचन में करवाया हुआ है, क्योंकि इस दफ़ा काफ़ी अच्छी डेकोरेट हो गई थी मेरी किचन। काफ़ी सामान मैंने भी नहीं लगाया हुआ, मेरी किचन छोटी सी है इसलिए पता नहीं चलता कि कहाँ पे क्या चीज़ एडजस्ट करें। तो आप यहाँ से एक छोटा सा आइडिया ले सकते हैं, अगर आपकी छोटी सी किचन है तो आप छोटी किचन को कैसे अरेंज कर सकते हैं। बस ये जो आपको शीट नज़र आ रही है हाफ़ है, मैंने पहले फुल भी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे सिंक है नीचे, पानी गिरने की वजह से सारा दिन पानी पानी हो जाता था, साफ करने में काफ़ी मुश्किल थी, मैंने फिर हाफ बिछा ली और दूसरा हिस्सा मैंने उठा के रख दिया। उसको भी ये छही गया, तो जहाँ पानी कहता रोज उस दो दिन दो टाइम साफ करना पड़ता है, दिन रात को उसके किचन में। ये तो आपको पता है जहाँ पानी थोड़ा गिर जाए वहाँ पर ना साफ किया जाए तो स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। तो पता है मैंने आपको एक्सपीरियंस कमाया है, तुम्हारे घर में कुछ ज़्यादा सफाई का रिवाज है कि हम लोग हर चीज़ को साफ रखें, तो बकायदगी सफाई सफाई करते रहते हैं हम लोग। जो वो जो आपको नज़र आ रहा है वो है हमारा 3rd रूम। तो किचन के सामने अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको यही नज़र आएगा कमरा हमारा, तीसरा कमरा। तो बस यही हमारी छोटी सी किचन, और अपना चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। ये हमारा
दूसरा रूम। और ये भी जैसे यहाँ पे बेड है, यहाँ पे बेड नहीं, यहाँ पे सिर्फ चारपाइयाँ रखी हुई हैं हमने। और यहाँ पे आइटल कुछ रखी हुई है, बहुत ही प्यारी है हमारी। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे घर में आपको रंग बिरंगी लाइटिंग ज़रूर नजर आएगी कहीं ना कहीं, हमें पसंद है इसलिए। तो ये है हमारा दूसरा कमरा, क्योंकि मशीन की इधर ही पड़ी हुई है, मैंने उठाई नहीं क्योंकि मैं कपड़ा स्टिच कर रही थी। तो मैंने कहा चले फिर स्टार्ट करते हैं। वो जो पड़ा हुआ है वो मेरा मोबाइल की वो पड़ा हुआ जिससे मैं चैनल है, तो इस वीडियो बना रही अपने भाई के मोबाइल से बना रही हूँ, जो भाई के मैंने मोबाइल लिया था। ये है हमारी ड्रेसिंग, ये है हमारी ड्रेसिंग। और आपको नजर आ रही है ना कि दीवार के ऊपर शीट्स लगी हुई हैं, तो ये शीट्स हमने काफ़ी मेहनत से लगाई हैं, बहुत पसंद थी हमें इस तरह की शीट्स लगाना। वो जो दूसरा होता है वॉल पेपर पूरी दीवारों वाला, वो इतना नहीं था, तो इसलिए हमने फिर ये शीटों वाला इंतज़ाम किया और इसी कमरे लगाया। इस कमरे में भी सेम शीट है, पहले नीचे बिछाई, उसके बाद हमने ये जैसन जो होता है वो बिछाया हुआ है, छोटा सा कारपेट जिसे कहते हैं स्मॉल कारपेट, वो बिछाया हुआ है। और साथ में वो आपको शीट नज़र आ रही है कि हमारे स्टैंड आयरन स्टैंड से कहते हैं। और बस ये जो अपने बाबा के लेटर में हैं वो, बाकी हमारी चीज़ें छोटी स्वेटर सर्दियों की चीज़ें आपको पता है कितनी ज़्यादा होती हैं। तो वो जो अदील नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमने भाई की बर्थडे पे लगाया था, तो फिर उतारना उतारे नहीं हमने, हमें अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही लगा रहने देते हैं। बस ये है हमारा कंप्यूटर बस, और इस कमरे में से इतनी सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आप लोगों को इस छोटे से कमरे के साथ कुछ आइडिया भी मिल जाएगा कि अगर छोटा कमरा हो तो हम लोग सेटिंग कैसे करें, आप इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। बहुत ही नीट एंड अच्छी लुक लगती है इस तरह की सेटिंग की भी। वो जो नीचे आपको नज़र आ रहा है तो तकिए वाला ये छोटा सा मैट्रेस है, वो हमें बचाया हुआ है, उसके हमें बैठने चाहिए हुआ, तो बस काफ़ी से ज़्यादा बैठने में भी। तो ये है माता का कमरा, साथ ही पहला कमरा, और इससे पर हम थोड़ा मिलते हैं, ये कॉरिडोर आता है। और यहाँ पे ये हमें छोटा रखा हुआ है, किचन आप छोटी मैंने आपको दिखाया, तो बड़ी सट किया हुआ काफ़ी मैंने होते हैं, तो हम चलाने ले जाते हैं किचन की तरफ, किचन में शुरू शुरू दोबारा वहाँ पर सालन रोटी बना लेते हैं। देखते हैं आज हमने क्या बनाया है। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुँह में पानी आ रहा है, मुँह में ज़रदा बनाया हुआ है। मेरी अबूजी को बहुत पसंद है ज़रदा, हमारे घर में मीठा पसंद करते हैं लेकिन बहुत कम, थोड़ा थोड़ा खाते हैं हम लोग, खाना मीठा है बस, बेशक तुम थोड़ा सा खा लें, जैसे पता है खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, बस सेम वही। ये है वॉशिंग टॉयलेट, आपको पता ही है, बस ये छोटा सा यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा सामान रखा था, साथ ही वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, साथ ही स्पिनर हमारा। और ये है हमारा तीसरा कमरा जिसके अंदर हमने फ्रिज रखी हुई है, सोफे रखे हुए हैं दो सिंगल वाले, बड़ा दूसरा कमरे में रखा था और यहाँ पे दोनों सिंगल रखे हैं, साथ ही ये जो फैन होता है वो। तो चलिए दिखाती हूँ आपको अच्छे तरीके से, इसके अंदर भी आपको पूरे कमरे में शीट नज़र आएगी, शीट भी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से हमें। और वॉल पे भी डेकोरेशन शीट से की हुई है, इसको भी गुजार रखे हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये है हमारे जैसा कमरा सिंगल बेड यहाँ पर रखा था। सबसे मेन चीज़ थी जो आपको नज़र आ रहा है ये फ्लावर, फ्लावर सा ये मैंने घर में खुद बनाया है, होम मेड है, उतना ना कोई कैसा लगा, मैंने देखी लाइटें ऑन ही नहीं की। ये है हमारी सिंगी छोटी सी लगी, ये जो आपको शीट नज़र आ रही है पॉलीथीन सी, इसके ये है बच्चों के लिए, इकरा इसके ऊपर अपनी मैथ का प्रैक्टिस करती है, उसके लिए सो जाता है, वो कहते रजिस्टर पर लिख लिख के थक जाती हैं, तो फिर बस ये शीट लगा के उसके लिए जाता है। बोर्ड भी ला के दिया था लेकिन वो कहती है हाथ में पकड़ना थक जाता है, फिर ये शीट पर काम अच्छा जाता है इसका। तो ये है, चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का थोड़ा सा नज़ारा। ये हमारे दूसरे कमरे का डोर, इससे हम अगर बाहर जाएँ तो ये आता है हमारा छोटा सा टेरेस,